डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद के समस्त विद्यालयों में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। हसेरा में स्थित श्री सत्यदेव आनंद महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज में आज विद्यालय प्रबंधक पूर्व विधायक कुमार अरविंद प्रताप सिंह के द्वारा विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु सिंह, सहायक अध्यापक श्री हरिकृष्ण यादव, महेश वर्मा, आशीष कुमार मिश्र, मीना गुप्ता, राजवीर शाक्य, सोनिया राठौर, राम नरेश सिंह, नरेंद्र सिंह यादव, पीटीआई डोली सिंह, कौशलेंद्र सिंह, दिनेश त्रिवेदी, विवेक कुमार शुक्ल, अजय राजपूत, शिक्षा शास्त्री संतोष तिवारी, आशीष कुमार, राहुल शुक्ला, जितेंद्र सिंह, कुशवाहा आशीष राजपूत, अलंकार वर्मा, भारती गंगा प्रसाद गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे, जिसमें अभिभावकों को उनके बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। तत्पश्चात जलपान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। क्राइम संवाददाता अजय राजपूत की रिपोर्ट। जी प्रबंधक जी, आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी और क्या कार्यक्रम रहा इसका? आज का कार्यक्रम शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया और ये हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। गुरुओं का सम्मान सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ा आदरणीय पद है और सम्मानित पद है। और जहाँ तक गुरुओं की बात करें तो गुरुओं का भी मैंने देखा, मैं भी छात्र के रूप में काम किया हूँ, देखा हूँ, उसका छात्र के रूप में पढ़ा हूँ। गुरु भी जितना प्यार अपने छात्र और छात्राओं से करते हैं और उनके लिए जितना समर्पित होकर मेहनत करते हैं, छात्र और छात्रा जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ करते हैं। उतना प्रसन्न तो माता पिता भी नहीं होते हैं जितने प्रसन्न के गुरु हुआ करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपने अभिभावकों को भी बुलाया, इसका क्या उद्देश्य? एक्चुअली ये मेरा विद्यालय देहात का विद्यालय है, किसानों का विद्यालय है, किसानों के ही बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कम से कम जो अपने बच्चों को विद्यालय में भेज रहे हैं वो माता पिता कम से कम विद्यालय में आकर विद्यालय को देखें, विद्यालय के अध्यापकों को देखें, यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था को देखें, अध्यापकों से बातचीत करें, अपने बच्चे के बारे में अध्यापकों से जानें, अध्यापकों ने किस विषय में कितना कितना ज्ञान दिया है और आने वाले टाइम में वो किस प्रकार से अध्ययन करवाएंगे, कौन क्या विषय पढ़ा रहा है, अध्यापकों से परिचय। और साथ साथ में शिक्षक दिवस पर मैं उनको जलपान ग्रहण करा के इस महान पर्व को मनाऊं, ऐसी इस इच्छा के साथ ही मैंने उनसे पूछा। धन्यवाद सर।